हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों की आ रही लगातार क्वायरी पे है, एक सिंगल क्वायरी आ रही है जो कि बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी आ रही है मैसेज के थ्रू और इंस्टा पे भी मैसेज के थ्रू आ रही है। माफी चाहूंगी यहाँ पे कि मैं यूट्यूब पे सभी के मैसेज का रिप्लाई पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल करके नहीं दे पा रही हूँ, पर मैसेज मैं पढ़ रही हूँ और जहाँ मुझे लग रहा है कि वीडियोस आने चाहिए, मेरी पूरी कोशिश रही कि वो सारे इन्फॉर्मेशन पे वीडियोस आए जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है। और अभी जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी क्वायरी बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसा कि बात करूँ कि कल ही आप लोगों का एडमिट कार्ड आया है BHU का, बेचलर इन फाइन आर्ट और बेचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट का, जिसमें मेंशन है कि कौन से स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, उनको अगेन एक मेल गया है। और उस मेल में क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के बताती हूँ। ऐसे मेल बहुत सारे लोगों को गया होगा और इसकी क्वायरी ये आ रही कि मैम ये मेल क्यों आया है, जब मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ तो फिर ये मेल क्यों आया। मैं मेल पढ़ती हूँ, मेल क्या है। BHU की तरफ से साइड में स्क्रीन पे आपको मेल दिख भी रहा होगा, लिखा हुआ है कि डियर कैंडिडेट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू डेट यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ BPA और BFA कोर्स एज पर द मिनिमम एलिजिबल कंडीशन मेंशन ऑन योर पेज नंबर 17-18 एंड द प्रोसीजर ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट मेंशन ऑन पेज नंबर 35-36 ऑफ द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन UET 2022। कहा जा रहा है कि एक तरफ से तो आपका शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आ चुका है, एडमिट कार्ड आ चुका है, लेकिन अगेन मैसेज आया है आपके मेल पे कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं किया गया, मतलब आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि जो एलिजिबल कैटेगरी है उसे आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 17-18 में दिया हुआ, उसे आप जाके पढ़िए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, बेसिकली अब इसमें बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम मेरा तो शॉर्ट लिस्टेड है पर ये मेल क्यों आया है मुझे कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैं बता दूं कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट को ये मेल आया है उसके बाद आप लोग चेक कीजिए, एक और मेल आया होगा आप लोगों को, और नहीं आया है तो आ जाएगा मेल। और सेकेंड मेल क्या है, फिर से BHU की तरफ से ही मेल आया है, साइड स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, देखिए लिखा है प्लीज इग्नोर आवर प्रीवियस मेल, पुराना मेल जो मैंने आपको सेंड किया था उसे इग्नोर कीजिए एंड डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम BHU online.in। ठीक है, अगेन डाउनलोड कीजिए अपना एडमिट कार्ड फॉर BFA एंड BPA कोर्स। ठीक है, जो BFA कोर्स के वो BFA का डाउनलोड करें, जो BPA का है वो BPA का डाउनलोड करें। एज यू आर एलिजिबल टू अपेयर इन द प्रैक्टिकल टेस्ट वी रिग्रेट फॉर कन्वीनियंस कॉज्ड। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि रिग्रेट है। तो जिन लोगों को भी ये मैसेज आया है कि वो एलिजिबल नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, जबकि उनको प्रैक्टिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल के लिए ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है, एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, फिर मैसेज आया है कि आप एलिजिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिकल में नहीं बुलाया गया, मतलब नहीं दिया जाएगा, उनको फिर अगेन एक और मैसेज आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पुराना जो आपका मैसेज है, ईमेल है, उसे इग्नोर कीजिए और आप फिर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। तो परेशान मत होइए, आप जाके अगेन चेक कीजिए, आपको फिर से दोबारा एक मेल आया होगा, और नहीं आया है तो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी जो क्वायरी थी वो इस वीडियो के दौरान समाप्त हो गई होगी। तो आप जाके चेक करो, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोज अभी ऐसी अपडेट लगातार आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, ID Macy_ स्क्रीन पे दिख रही है, तो जाइए फॉलो कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।